कश्मीर घाटी में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ सितम। सर्दी ने 25 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रीनगर में -8.4 डिग्री लुढ़का पारा। जनवरी में अब तक का सबसे सर्द दिन। पूरी तरह जम गई श्रीनगर की डल झील। श्रीनगर की पहचान, उसकी आन बान शान, ये डल झीली जम चुकी है। जो शिकारे लहरों पर शान से चलते थे, वो सर्द सन्नाटे में डूबे नजर आ रहे हैं। डल झील के कई हिस्सों में बर्फ की मोटी परत पड़ी है। कुछ दिन पहले तक जबरदस्त बर्फबारी का कहर झेलने वाली कश्मीर घाटी में अब भयंकर ठंड ने कोहराम मचा रखा है। बीते 25 साल में जनवरी महीने में पहली बार श्रीनगर में पारा -8.4 डिग्री दर्ज किया गया। 1991 में जब से श्रीनगर में तापमान दर्ज होना शुरू हुआ है, तब से ये दूसरा सबसे सर्द दिन है। कल श्रीनगर का पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। कश्मीर में गुरुवार को नया कीर्तिमान जो है शून्य तापमान को लेकर बना है, जब बीती रात तापमान -8.4 डिग्री श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को तापमान -7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो पिछले 9 साल के दौरान सबसे कम तापमान था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। पिछले कई दिनों से कश्मीर में शीत लहर चल रही है ठंड की वजह से, और हम इस वक्त श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में हैं, जो पिछले कई दिनों से जमना शुरू हुआ है और अब पूरी तरह से ये झील जो है जम चुकी है। यहाँ पर जितने भी शिकारे हाउस बोट हैं, वो बर्फ में पूरी तरह से अटके पड़े हैं और उनको निकालना या उनका चलना फिरना काफी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में इसी तरह की गिरावट जो है देखी जाएगी। हाल ये है कि आप डल झील पर दौड़ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि वहां अभी पानी नहीं है बल्कि बर्फ का मैदान है। कश्मीर घाटी में कल रात का जो तापमान है वो करीब -8.4 रिकॉर्ड किया गया है, और इसकी वजह से डल लेक जो है वो जमी हुई है, फ्रीज हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से डल का पानी जो है जमा हुआ है, और मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस वक्त डल के ऊपर हूँ, मैं डल के पानी के ऊपर चल रहा हूँ। अद्भुत तस्वीरें हैं ये, जिंदगी में शायद पहली बार मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर। डल झील भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर झीलों में से एक है। तीनों दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, मगर इस वक्त जमा देने वाली ठंड ने इसे अपनी कैद में जकड़ रखा है। इसकी हलचल पर बर्फ की परत का शिकंजा कसा हुआ है। जो सैलानी नियमित तौर पर कश्मीर आते हैं, उनके लिए भी ये मौसम हैरानी भरा है। हालांकि बर्फीले मौसम का वो खूब आनंद ले रहे हैं। मैं पिछले 3-4 साल से आ रहा हूँ कश्मीर में, विंटर्स में मेजरली आता हूँ, बट इस साल जो मतलब ठंड है दैट इज क्वाइट, मतलब कुछ ज्यादा ही है इस साल, इतनी कभी नहीं देखी मैंने। श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी माइनस पारे का टॉर्चर चल रहा है। जरा अलग अलग शहरों के तापमान पर नजर डालिए। काजीगुंड 10 डिग्री, पहलगाम 11.1 डिग्री, कुपवाड़ा 6.7 डिग्री, कोकरनाग 10.3 डिग्री, गुलमर्ग 7 डिग्री, कोनीबाल 12 डिग्री, अवंतीपुरा 8.7 डिग्री, अनंतनाग 10 डिग्री, बांदीपुरा 4.2 डिग्री सेल्सियस। ये कश्मीर के अलग अलग इलाकों का आज का न्यूनतम तापमान है। दरअसल इस वक्त कश्मीर घाटी उस 40 दिन के सबसे ठंडे दौर से गुजर रही है, जिसे चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। 21 दिसंबर को शुरू हुआ ये दौर 14 जनवरी को अपने चरम पर पहुंच गया। इसका अंत 31 जनवरी को होगा। 40 दिन की चिल्लई कला के बाद 20 दिन का अगला ठंड का दौर शुरू होगा, जिसे चिल्लई खुर्द के नाम से जाना जाता है। इस दौरान सर्दी का कहर थोड़ा सा कम होता है। आखिर में 10 दिन का आखिरी दौर भी आता है, जिसे चिल्लई बच कहा जाता है, जो कम ठंडा होता है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते तक कश्मीर घाटी में जबरदस्त सूखी ठंड पड़ेगी।
मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाली 18 जनवरी को कश्मीर घाटी के ऊपर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके असर से कश्मीर घाटी में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी होगी, यानी कश्मीर घाटी में बर्फबारी के साथ ही तापमान और गिरने की आशंका है। ऊंचे इलाकों में कई फुट तक बर्फ जमने की आशंका भी है। श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो।